चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें आपके वो क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो या तो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस तरह की हम लोग 14 टेस्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं आपके। इस टेस्ट में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और याद रखिए 14 टेस्ट जो खत्म हो चुके हैं वो मॉक टेस्ट फॉर वन डे एग्जाम के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 15वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन से देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे सामने? राष्ट्रसंघ का जन्म कब हुआ? राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। एक बात और बता दूं यार, आप लोगों को जो भी आपके संगठन है, फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सबके बारे में बड़े विस्तार से बात कर चुका हूं, तो इनसे आपके अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, क्योंकि इनसे हर बार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और वन डे एग्जाम में छोड़िए, एसएससी, बैंक, रेलवे इस तरह के एग्जामों में छोड़िए, आपकी यूपीएससी में, मेंस में भी लिखने के लिए आ जाते हैं, तो बड़े विस्तार से आपके पढ़ा दिए गए हैं। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जा सकते हैं आप लोग। फिर आगे चल के ये आपने देखा होगा राष्ट्र संघ को ही संयुक्त राष्ट्र बना दिया गया 1945 में। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम लोग, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे राष्ट्र संघ तो आपको कहना है 10 जनवरी 1920 को। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया तो आपको कहना है 1945 में। एक बात याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्र संघ के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में कब स्वीकृत किया गया था? राष्ट्र संघ को के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में कब स्वीकृत किया गया था? तो ये आप देखेंगे अप्रैल 1919 में। आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, उसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये अप्रैल 1919 की बात है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग का गठन कब हुआ? ये हुआ था फरवरी 1919 को। फरवरी 1919 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 17 सदस्यीय आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? जो राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु आपका जो 17 सदस्यीय आयोग का गठन किसकी मतलब अध्यक्षता में किया गया था? तो ये था लॉर्ड जॉर्ज। क्या लगाएंगे आप लोग? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है अगला क्वेश्चन? विल्सन ने 14 सूत्रों में से कौन सा सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है? विल्सन ने 14 सूत्रों में से कौन सा सूत्र राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित है? तो ये आप देखेंगे अंतिम सूत्र। कौन सा? अंतिम सूत्र इससे संबंधित है। ठीक है, राष्ट्र संघ के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति विल्सन का भाषण जो एक विश्व संघ की आवश्यकता प्रतिपादित करता है उसकी तिथि क्या थी? अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति विल्सन का भाषण जो एक विश्व संघ की आवश्यकता प्रतिपादित करता है उसकी तिथि क्या था, मतलब किस दिन हुआ था ये? तो आप जानेंगे कि 8 जनवरी 1918 को। 8 जनवरी 1918 को, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, हिटलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी और कई स्टेट पीसीएस में भी पूछते हैं, बड़े मतलब घुमाने वाले रहते हैं। हिटलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लैंडस्बर्ग
इस वर्ग जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैनी कैंप लिखी, जिसे नाजियों की बाइबिल कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। 1920 में हिटलर के प्रारंभिक सहयोगी गोट फ्रेड फीडर ने म्यूनिख में नाजी दल के लिए एक 25 सूत्री कार्यक्रम निश्चित किया। ये भी बिल्कुल सही है। उग्र जर्मन राष्ट्र को मसीहा हिटलर कई वर्षों तक किसी भी देश का नागरिक नहीं रहा। ये भी सही है। हिटलर ने निजी अंगरक्षकों को के संगठन का मुखिया गोरिंग था। ये आपका गलत है। क्या है? डी ऑप्शन इसमें गलत है। क्या है? डी ऑप्शन गलत है। आप लोग क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन लगाएंगे हम लोग। ठीक। और बाकी ये ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, म्यूनिक समझौते पर हस्ताक्षर होने से सप्ताह भर पहले किस भारतीय नेता ने ऑन द ब्रिंक कगार पर शीर्षक से लिखे अपने लेख में कहा है कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो नाजी आक्रमण को रोका जा सकता था। ये कथन किसका था? तो ये कथन था, आप देखेंगे, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब का। पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे, समझ में आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिटलर हिटलर ने ऑपरेशन सी लॉयन किस देश के खिलाफ चलाया था? हिटलर ने ऑपरेशन सी लॉयन किस देश के खिलाफ चलाया था? ए इंग्लैंड के खिलाफ। किसके? इंग्लैंड के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश पर आक्रमण को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये था सोवियत संघ, जिसे आज आप लोग रूस जानते हैं, कहते हैं, ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्र संघ की अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ, जिसमें जिसमें क्या हुआ? राष्ट्र संघ के विघटन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रसंघ असेंबली का प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राष्ट्रसंघ असेंबली का प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था विल्सन की। बी ऑप्शन सही है। याद रखिए, जब हम लोगों ने किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की थी तब ये सभी आपको पढ़ाए गए हैं। वहाँ विश्व का इतिहास आपका काफ़ी, उतना ही पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर क्वेश्चंस बनते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा विश्व इतिहास कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का इतिहास कवर करने में आपका पसीना आ जाता है आपको। तो आगे समझिए कि विश्व का इतिहास, सभी देशों का इतिहास रख पाना याद किसी के लिए मुमकिन नहीं है, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी। तो एक जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपके, किरण सामान्य ज्ञान बुक में कवर करवा दिए गए हैं, तो उसे पढ़ लें, काफ़ी अच्छी है। ठीक है। प्लेलिस्ट सूची में जाएं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बहुत कुछ दे चुका हूँ, एमपी का पूरा कवर करवा चुका हूँ, एमपीजी के एमपीपीएससी लेवल का, और आप देखेंगे कंप्यूटर पूरा कवर करवा चुका हूँ, उससे मॉक टेस्ट से संबंधित सभी लगवा चुका हूँ, लूस एंड कवर करवा चुका हूँ आपका किरण सामान्य ज्ञान। और ज़्यादा आपका अगर मन है विस्तार में पढ़ने का तो एनसीईआरटी भी कवर करवा दी थी। ठीक है। तो जो जैसा भी आपको अच्छा लगे।
क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रसंघ असेंबली का कार्यक्षेत्र क्या था? राष्ट्रसंघ असेंबली का कार्यक्षेत्र क्या था? निर्वाचन संबंध, अंगीभूत संबंधी, परामर्श संबंधी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों था, यानी कि आप डी ऑप्शन सही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रसंघ की असेंबली द्वारा क्रमशः कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे? राष्ट्रसंघ की असेंबली द्वारा क्रमशः कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे? तो ये होते थे 1 और 8, यानी कि 1 अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्ष, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, राष्ट्रसंघ की असेंबली की वार्षिक बैठक कहाँ होती थी? राष्ट्रसंघ की असेंबली की वार्षिक बैठक कहाँ होती थी? ए जेनेवा में हुई होती थी, स्विट्जरलैंड। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रसंघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते थे, जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था? ये थे 3। क्या थे? 3, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? जापान और इटली राष्ट्र संघ से क्रमशः कब पृथक हुए, यानी कि कब अलग हुए? तो ये हुए थे 1933 और से 1937 के बीच। ठीक है, 1933 और 1937 में। सी ऑप्शन यानी कि आपका बिल्कुल सही है। जो रूस है ये राष्ट्रसंघ का कब सदस्य बना? ये आपका 1933 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से कब हटाया गया था? रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से कब हटाया गया था? 1933 में इसे सदस्य बनाया गया, लेकिन हटाया कब गया? 1940 में। तो इन दोनों तिथि को याद रखिए। ठीक है, 1940 में राष्ट्रसंघ का प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? ये थी 42, 42। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसा होगा? सी बिल्कुल सही होगा। जो राष्ट्रसंघ की धारा 22 किससे संबंधित थी? तो ये थी मैंडेट व्यवस्था से संबंधित, मैंडेट व्यवस्था से संबंधित। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रसंघ की भावना का प्रथम आघात कैसे हुआ था? राष्ट्रसंघ की भावना पर प्रथम आघात कैसे हुआ था? ये आपका मंचूरिया पर जापान का आक्रमण से, मंचूरिया पर जापान का आक्रमण। मंचूरिया चीन के पास पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा चीन को हरा भी दिया था जापान ने। क्वेश्चन है हमारा अगला, इटली द्वारा इथोपिया पर आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ ने ये सैन्य कार्यवाही की थी। क्या की थी? सैन्य कार्यवाही की थी। इसका मतलब यही होता है, इस तरह के जो भी संगठन होते हैं, कि कमजोर देशों की रक्षा करना। ठीक है, जो विकसित देश हैं या ताकतवर देश हैं, उनसे कमजोर देशों की रक्षा करना। एक तरह से आप कहिए कि मानव अधिकार आयोग का मतलब क्या होता है, इस तरह के संगठन होते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति हैं उनकी ताकतवर लोगों से मदद करना। तो इसी तरह देशों की भी मदद करना इनका संगठनों का काम होता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, 1940 में रूस को राष्ट्र संघ के निष्कासित क्यों किया गया था? 1940 ईस्वी को रूस को राष्ट्र संघ से निष्कासित क्यों किया गया था? क्योंकि रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना, यानी कि इसने रूस ने फिनलैंड
फिनलैंड पर आक्रमण किया था। इसी के कारण इसे राष्ट्रसंघ से निष्कासित यानी कि बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का जनक था लेकिन सदस्य नहीं, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था यूएसए, ये राष्ट्रसंघ का जनक माना जाता है लेकिन सदस्य नहीं था, क्योंकि अमेरिकी सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी इसे। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर प्रारंभिक स्तर पर कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर प्रारंभिक स्तर पर कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो ये थे 11। कितने? 11। याद रखिए, पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही इस तरह के संगठनों की व्यवस्था की जाने लगी थी, क्योंकि आपने देखा है कि पहला विश्व युद्ध कितना भयानक था, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, आपने देखा होगा। मतलब एक तरह से इतनी बुरी स्थिति थी, इसी को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कोई विश्व युद्ध ना हो दोबारा, इस तरह के संगठनों की स्थापना की गई थी। लेकिन आपने देखा है ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रसंघ सचिवालय में कुल कितने विभाग थे? राष्ट्रसंघ सचिवालय में कुल कितने विभाग थे? तो ये 11। कितने? 11। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, 1920 से 1933 ईस्वी तक राष्ट्रसंघ के महासचिव तथा इंग्लैंड के निवासी थे, कौन थे? ये थे सर ड्रमंड। यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रसंघ के सचिवालय के मुख्यालय कहाँ था? जो राष्ट्रसंघ था इसके सचिवालय का मुख्यालय कहाँ देखा गया? ये था जेनेवा में। कहाँ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो अभी आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका भी तो मुख्यालय आप देखते हैं कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका भी मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्र संघ काउंसिल में स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने थे? यानी कि जो राष्ट्र संघ काउंसिल थी इसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य कितने थे? तो 5 और 4। 5 आपके स्थायी सदस्य थे और 4 आपके अस्थायी सदस्य थे। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या क्या थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? तो इसमें आप देखेंगे कि 51 थी। कितनी? 51 थी। यानी कि बी ऑप्शन हमारा, पहले आपने लोगों ने देखा था संयुक्त संघ की, लेकिन यह है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसमें 51 थी। क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये आपका याद रखिए 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी। कितनी थी? 6। लेकिन किस वर्ष उसे बढ़ाकर 10 कर दी गई थी? ये आप देखेंगे 1965 की बात है। कब? 1965 में से 10 कर दिया गया था। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 5 देश
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर सुरक्षा के स्थायी सदस्य हैं। और याद रखिए इन्हें वीटो पावर भी मिला हुआ है। वीटो पावर का मतलब यही होता है कि अगर किसी कोई भी इस तरह का समझौता है जिसके पक्ष में 4 सदस्य हैं लेकिन 1 सदस्य भी इसके खिलाफ है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी कि एक तरह से कहिए कि 5ों सदस्यों को सहमत होना चाहिए किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए। अगर 1 भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है तो उन्हें उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे किन किन को मिला हुआ है। अमेरिका को भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है, रूस भी है, चीन भी है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, इन सबको याद रखना है आपको, ठीक है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने हैं? ये आप देखेंगे कितने, 5 और 10। 5 आपके स्थायी हैं जिनमें आपने देख ही लिया है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये आपके 5 हैं और बाकी 10 अस्थायी चुने जाते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे पहले बहुत विस्तार से। पर चाहे आपका WTO हो, WHO हो, UN हो, यूनेस्को हो, इस तरह के जो भी आपके संगठन हैं बड़े हम विस्तार से बात कर चुके हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, साधारण सभा के अतिरिक्त महत्वपूर्ण निर्णय कैसे दिए जाते हैं? साधारण सभा के अति महत्वपूर्ण निर्णय कैसे दिए जाते हैं? ये 2/3 बहुमत से, कैसे? 2/3 बहुमत से, यानी कि सी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में कब हुई थी? ये आपकी 10 जनवरी 1946 को, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम जो बैठक लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी, एक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 10 जनवरी 1946 को। 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे आपके 24 अक्टूबर 1945 को। तो मुझे लगा कि उसी दिन हुई होगी, लेकिन नहीं। देखिए, याद रखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की प्रथम बैठक लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में बैठक हुई थी वो 10 जनवरी 1946 को हुई थी। यार याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चंस का गलत आंसर बता देता हूँ तो आप लोग भी टोक दिया करिएगा और नीचे सही करके उसे लिख भी दिया करिएगा, क्योंकि कभी कभी गलत हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए? ये हुए थे आपके 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, सार्क देश का जन्म संग्रह द्वारा जर्मनी पर कब में कब विलय किया गया था? तो ये आपका मार्च 1935 में किया गया था। ये मार्च 1935 में आपका इसे किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ्यू विवाद किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था इटली व यूनान के मध्य, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस सदन की बैठक जेनेवा व न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? निम्न में से किस सदन की, यानी कि किस सदन की स्थापना की बैठक जेनेवा और न्यूयॉर्क दोनों शहरों में होती है? तो ये देखेंगे आप लोग आर्थिक व सामाजिक परिषद की, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ही एक तरह से भाग हैं, याद रखिए। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया? विश्व सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया? याद रखिए, एक तो आपका यूएन के तहत सुरक्षा परिषद होती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है, क्योंकि आप जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देखेंगे तो ये तो आपकी यूएन के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, किसकी? आपकी जो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसके अंतर्गत आती है, और इसका काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका काम होता है। लेकिन अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO, सॉरी WHO, अगर WHO की बात करें हम लोग, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को आपका WHO अस्तित्व में आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो एक तरह से आप इसे विश्व सुरक्षा संगठन भी कह दीजिए, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य के प्रति आपकी देखभाल करना। किसी बीमारी के प्रति आप देखते हैं कि एक तरह से मदद करना इसका काम है। अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। तो याद रखिए, आपका इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 अप्रैल 1938 को। निम्न में से यूएनओ के किस संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका जो कहाँ नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? द हेग नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, हेग में। ठीक है, नीदरलैंड याद रखिए। लेकिन ये संगठन किसका है? ये संगठन मतलब भाग है आपका यूएन का, लेकिन इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में नहीं देखने को मिलेगा, इसका मुख्यालय दूसरी जगह है, द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूएनओ के कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा आप देखेंगे अंग्रेजी व फ्रेंच दोनों है, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए, बोला था ना यूनेस्को की स्थापना कब की गई, यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो आप देखेंगे कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1946 को की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यूनेस्को। और इसका हेडक्वार्टर आपको, मिलेगा पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। कहाँ? पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा इसका आपको हेडक्वार्टर। एक सेकेंड रुकिए, इसकी एक मुझे लगता है एक गलती है इसमें, पता है आपको? भारत बना इसका 46 में, 1946 में इसका सदस्य बना भारत, लेकिन इसकी स्थापना की बात करूं तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की जा चुकी थी, लेकिन इसका भारत कब सदस्य बना? 1946 में आपका, तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और विशेषज्ञों की संस्था है, ठीक याद रखिए, भारत को 1946 में इसमें शामिल किया गया था, याद रखना। क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई? ये आपकी थी वर्साय की संधि, वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ
बरसाए। ये आपकी पहले विश्व युद्ध की बात की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का उल्लेख चार्टर की किन धाराओं में है? धारा 97 से 101 तक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है, यानी कि एक तरह का अधिकार प्राप्त है? ये आप देखेंगे धारा 27 से। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बनते रहे हैं धारा 27 से। क्वेश्चन है हमारे सामने, साधारण सभा की शक्तियों का उल्लेख चार्टर की कौन सी धारा में किया गया है? ये धारा 10 से 17 के बीच इसमें उल्लेख किया गया है इसका, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते हैं? 5। तो इसमें आपका डी है। तो ए था 15 का टेस्ट आपका, जिसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लिए गए हैं और उन्हें बता दिया गया। चलिए तो मिलते हैं हम लोग 16वें टेस्ट में, तब तक आप लोग इन्जॉय करिए। इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, उसे डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से।